हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब तो आज आपने अपना रेस्पायरेशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर प्लस पे कंप्लीट कर लिया होगा हम यहाँ पर उनके एनसीआरटी एग्जाम्पलर और पीवाई क्यूज को डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर पहले हम एनसीआरटी एग्जाम्पलर को डिस्कस करेंगे ये आपके एनसीआरटी के ही क्वेश्चन है डायरेक्टली एनसीआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है, है ना हमें एनसीआर कवर करनी है तो हम ये भी देख रहे हैं और हम पीवाई भी देखते हैं अब रेस्पायरेशन चैप्टर की मैं बात करूँ तो

पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है है हमको द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी लिखती कि सबसे फाइनल स्टेट पे जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है दैट इज ऑक्सीजन है ना लास्ट में ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर कर वाटर बनाती है तो एक तरीके से उसका रिमूवल भी करती है और फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है तो क्या कहेंगे हम अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ईटीएस में हम पढ़ते हैं दैट वुड बी ऑक्सीजन है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड इलेशन की बात हो रही है फोस्फराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज कटेलाइज बाय फोस्राइलेशन मतलब ग्लूकोज में फोस्फेट का ऐड होना तो ग्लूकोज से कन्वर्ट हो रहे हैं ग्लूकोज में सिक्स कार्बन पे फोस्फेट ऐड होता है ये आपकी ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप है और कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करता है बेटा हेक्सोकाइनेज ये बात भी आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है हेक्सोकाइनेज एंजाइम को glucose 6 में कन्वर्ट करता है फाइन उसी को हम क्या कह रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं फोस्फराइलेशन ऑफ ग्लूकोज अगर आपको ना समझ में आ रहा

वाटर फाइनल प्रोडक्ट है पर यहां पर मोस्ट एक्सेप्टेड जो आंसर आएगा अगर आप पूरा एंड तक ग्लूकोज का जाओगे तो हाँ, में आपको वाटर भी मिलता है पर इन्होंने एसिड के फेट की बात की है तो अगर एसिड पहले कंडीशन में ना जाए तो नेक्स्ट किस में जाता है लिंक रिएक्शन में जाता है जिससे बनता है और सीओ टू रिलीज होता है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बेटा सी ठीक है क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की गई है

ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल में लोकेटेड होता है जो आपके हाइड्रोजन इकट्ठे हो रहे हैं एक साथ कंसेंट्रेटेड अमाउंट में आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर आ रहे होते हैं तो ये सारे लोकेशन लोकेशन वाले सारे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना ये जितने भी क्वेश्चन आपके लोकेशन से रिलेटेड हैं चाहे एंजाइम्स की लोकेशन uh, हो या फिर या फिर और uh, साइकिल की लोकेशन होके okay, कहाँ पर हो रही है तो ये सारी लोकेशन आप लोग अच्छे से याद करेंगे है ना पीवाई में भी इनसे क्वेश्चन आएंगे हम वहां पर भी देख लेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला गया है हमें Which of the following exhibits the highest rate of respiration? बेटा highest rate of respiration की need वहाँ पर होगी जहां पर growth ज्यादा होगी क्योंकि वहाँ oxygen के amount की need हम लोगों को ज्यादा है ना तो जो germinating seeds होते हैं non-germinating seeds से ज़्यादा या बाकी किसी plant part से ज्यादा इनमें rate of respiration higher होता है पहली बात ये photosynthesis नहीं कर रहे energy yield नहीं कर पा रहे तो इनको oxygen लेना पड़ता है तो ये अपनी growth को maintain करने के लिए अपनी requirement को पूरा करने के लिए अपना rate of respiration बढ़ा देते हैं Other, plant, को है और से एनर्जी की तो ज्यादा लेने के लिए राइट तो आंसर क्या हो जाएगा जर्मिनेटिंग सीड ठीक है क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या पूछा है हमसे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हमको बतानी है चलो एक एक करके स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं पहली स्टेटमेंट है

क्रेब्स साइकिल में जब सक्सिनिक एसिड या फिर सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो एक मॉलिक्यूल हम पढ़ते हैं जीटीपी का रिलीज होता है है ना दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी एटीपी इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी तो अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पर हम इसको काइंड ऑफ करेक्ट कंसीडर कर सकते हैं अब देखो थर्ड ऑप्शन रीड करो ऑक्सीजन

नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन माइटोकॉन्ड्रिया आर कोल्ड पावर हाउसेस ऑफ द सेल बहुत बेसिक सी चीज है हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस कहा जाता है सेल का क्यों कहा जाता है बेटा पावर हाउसेस क्योंकि ये पावर देंगे एनर्जी देंगे किस फॉर्म में एटीपी की फॉर्म में क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइज करते हैं इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं पावर हाउस कहते हैं इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा बाकी स्टेटमेंट्स भी रीड कर लो क्यों गलत है माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ डबल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन ये बात सही है पर इसलिए उसको पावर हाउस कहेंगे ऐसा नहीं है वहां पर क्रेब साइकिल हो रही है साइटोक्रोम्स मिल रहे हैं बिल्कुल सही बात है बट इसलिए उसको पावर हाउस कहेंगे ऐसा नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है बट एनी ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द फैक्ट कि आप माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कह रहे हैं हम पावर हाउस इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी यूज करती है राइट right? क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन है, नंबर तो जैसे एथ वाला देख लो, is, अब is, तो क्या बनेगा यहाँ पर एक तो ऑक्सीडेटिवराइलेशन के बाद एटीपी बनता है, से, होता है, है और साथ में वाटर बनता है आपने देखा ना फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपकी ऑक्सीजन थी वो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर वाटर भी बनाती है तो ईटीएस जो हो रहा है जिसको आप ऑक्सीडेटिव फोस्फराइजेशन भी कहते हो अकॉर्डिंग टू एनसीआर उसके एंड में सारे ग्रेडियंट डिफरेंसेस की वजह से एक तो एटीपी की फॉर्मेशन होती है और वॉटर बनता है तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आंसर क्या हो जाएगा डी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ अब यहां पर आ जाते हैं हमारे सामने मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो चलो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बेटा अभी इतनी देर से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही देख रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या है हाइड्रोजन की एक्सेप्टर है तो ए का क्या हो जाएगा टू ए का क्या हो जाएगा टू अब टू इस ऑप्शन में भी गिवन है इस ऑप्शन में भी गिवन है तो इसको और इसको मैं एलिमिनेट कर सकती हूं। चलो एलिमिनेट कर देते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ऑप्शन में से आएगा साइटोक्रोम सी ये आपके ETS का एक प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप पढ़ते हो जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर आगे देता है और वो फिर कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स वहां पर चलता है, है ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे पास क्या आ जाएगा साइटोक्रोम सी अब साइटोक्रोम सी तो इसी ऑप्शन में गिवन है तो आंसर क्या हो जाएगा ए बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं चलिए क्या बोला है डीहाइड्रोजिनेस बेटा पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस पायरुवेट पे काम करता है ये लिंक रिएक्शन का एंजाइम है जहां पर पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए में तो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस किससे मैच हो जाएगा फोर से लास्ट में बात की गई है डी कार्बोक्सिलेशन की तो अब लास्ट में पहली बात तो बचा ही सिर्फ वन फिर भी आपको पता होना चाहिए अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड जब सेक्सिनल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है इन द क्रेब साइकिल वहां पर अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजीनियस काम करता है और वहां पर सीओ भी रिलीज होता है डी का भी स्टेप वहां पर होता है तो डी किस का हो रहा है? कीटो, कर लोगे लेकिन हाँ बहुत रिपीटेड पैटर्न है तो इन क्वेश्चंस को भी ढंग से कर लोगे तो शायद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ बिना पूरा चैप्टर पढ़े ऑल दो आई वुड नॉट सजेस्टेड वैसे भी आपको आनंद सर ने बहुत अच्छे से ये चैप्टर तो कंप्लीट करवाया ही होगा तो ये चीजें तो काफी इजी लग रही होंगी राइट

उसके साथ CO2 भी रिलीज होता है जब आप एल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन के स्टेप देखोगे एल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन के स्टेप देखोगे मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख भी देती हूं जब आप फर्मेंटेशन के स्टेप्स देखोगे ना बेटा तो एल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट बना अब आप एरोबिक एरोन में जाने के बजाय बजायरोन में चला गया तो पहले स्टेप में यहां पर आपको मिलता है एसिटल डिहाइट एसिटल और साथ में सीओ टू हो जाता है रिलीज ठीक है ये एसिटल डिहाइट फर्दर कन्वर्ट होता है बेटा इथेनॉल में या फिर इथाइल एल्कोहल में तो एक आप ले लेते हो प्रोडक्ट इथेनॉल का और एक आप प्रोडक्ट ले लेते हो सीओ टू का ये दोनों प्रोडक्ट माने जाते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बाय द ईस्ट है ना और इस प्रोसेस में अगेन इस प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो अगेन जो NADH होता है वो NAD+ पॉजिटिव और एच प्लस में कन्वर्ट हुआ होता है है ना ये स्टेप इनका अपोजिट होता है ग्लाइकोलाइसिस इससे पे भी क्वेश्चन बिल्ट होते हैं कैसे होते हैं वो हम PYQ में देख लेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ

ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये आपने एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ा होगा बेटा कि ए रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीओ टू इवॉल्व कितनी सीओ टू इवॉल्व हुई इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन है ना और बी क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा वॉल्यूम ऑफ Volume of O2 consumed, कि कितना कितना हुआ हुआ और उसके comparison में कितना CO2 release हुआ। अब इस basis पे आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में ये वैल्यू आती है one. अब आपसे ये भी पूछा है विच टाइप ऑफ सबस्ट्रेट है आपको बता देती हूँ बेटा ये आपका ए हो गया

इसमें क्या होता है फैट्स के केस में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है बेटा लेस देन हो जाता है, है। लेस तो रेस्पायरेशन हो रही होगी ऑर्गेनिक एसिड्स की किसकी रेस्पायरेशन हो रही होगी ऑर्गेनिक एसिड्स की ठीक है तो आपने तीनों सबस्ट्रेट भी बता दिए इक्वल टू वन है तो सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होगा लेस देन वन है तो सबस्ट्रेट फैट होगा और मोर देन वन है आरक्यू तो सबस्टेड क्या होगा ऑर्गेनिक एसड यानी बहुत कम ऑक्सीजन यूज हुआ और ज्यादा सीओ टू इवॉल्व हो गई राइट right?

ये चीजें आपको हेल्प कर रही हैं टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर बाय चैप्टर प्रिपेयर करने में आपको हेल्प हो रहा है आपको आंसर्स ढूंढने के लिए इधर-उधर भागना नहीं पड़ रहा आप सारी चीजें समझ पा रहे हैं तो डू लाइक दिस वीडियो कीप ऑन शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स जिनको इनसे हेल्प हो सकती है एंड कमेंट व्हाट मोर डू यू वांट फ्रॉम अस राइट तो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच बाय